अभी भी काफ़ी लोगों का घर बनना मतलब चालू है। तो यार इस तरीके से है मेरा गांव। हे वेलकम एवरीवन स्टाइलिश की न्यू वीडियो। तो यार गाइस आज तो मतलब मैं घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और कहीं पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है। आज मैं जाने वाला था लेकिन गया नहीं क्योंकि काम आ गया था। तो काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं सोच रहा था क्यों ना बहुत सारी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई तो मैं अपना गांव भी दिखा दूं आप लोगों को। आप लोग देख लो मेरा गांव वेड़छी। तो यार अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे और लोग मेरा वीडियो देखें और मुझे सपोर्ट करें। तो यार अभी मैं आप लोगों का गाँव दिखाता हूँ कितने अच्छे तरीके से हमारा गाँव है। बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो देख लो अभी। तो भाई साहब ये रहा मेरा पूरा गांव, हमारा मोहल्ला है पूरा। मतलब वो जो बोलते हैं कुछ भी, मतलब कितनी अच्छी तरीके से पास पास में घर है, मतलब लोगों को बैठने में भी अच्छा है हमारा। कुछ भी यार जो भी है, और चारों तरफ एकदम खेत है। अभी क्या मैं इतने टाइम पे इसलिए आया क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो व्यू अच्छा आएगा क्योंकि सूरज ढलने वाला है तो मतलब व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो इसीलिए तो ये टाइम मैंने चूज़ किया। और वैसे भी मैं सुबह में काम पे था तो आ नहीं पाया। ये देखो इस तरफ खेत पूरे, वहाँ वो सामने वहाँ नहर है। हम छोटे थे तो वहाँ नहाते थे बराबर। अभी तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है तो जाते भी नहीं है। और वो रहा उस तरफ स्वराज आश्रम। और देखो यार खूबसूरती का नज़ारा कितना अच्छा है मेरा गांव, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है यार। सब लोगों को पसंद ही होता है। वैसे भी यार कहीं अभी 3-4 दिन तक तो जाने नहीं वाला मैं, इसलिए मैंने ये व्लॉग बना दिया क्योंकि मेरा जैसे तैसे करके मेरी आईडी माइनस से निकली है और वापस मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो वापस माइनस में चली जाएगी। तो इसलिए मैंने वापस ट्राई किया कि चलो ना मेरा गाँव ही दिखा। तो बहुत सारी जगह मैंने आपको घुमाई, अगर मैंने मेरा गाँव ही नहीं दिखाया तो क्या दिखाया यार आप लोगों को। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ अभी। और यहाँ पर मैं यार इंस्टा की रील्स भी बना था लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा। तो बस ऐसा है मेरा गांव। अभी मैं यार कहीं दूर नहीं जाने वाला, बस यहाँ ऊपर से दिखा दिया आप लोगों को कि इस तरह से है। मतलब आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं कुछ भी नहीं, आप लोग समझ लेना अभी जो भी समझना हो। वहाँ पर यार खेतों में काम चल रहा है, अभी देखो काम कर रहे हैं। और कितने सारे यार ऐसा नज़ारा सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। अभी देखो आप सूरज वाला व्यू देखो कितना बढ़िया है, मगर अभी फोन में मतलब ऐसा दिख रहा होगा लेकिन आप लोग अगर देखो तो अच्छे से दिखेगा। यार मैं कभी कभी मतलब घर पे बोर हो जाता हूँ तो पूरा दिन क्या रूम में पड़े रह के फोन में टाइम पास करता रहता हूँ। मतलब कुछ भी यार आप लोग भी करते होंगे तो वही है। बस आप लोग को तो दिखा दिया मैंने पूरा गाँव, बस इतना ही है इधर पे। बाकी दूसरे मोहल्ले में है सब है। और मेरे गांव के खास बात है कि आप लोगों को कुछ भी काम करवाना, कुछ भी मतलब आपकी साइकिल ख़राब हो जाए या बड़ा सा बड़ा ट्रक क्रेन कुछ भी ख़राब हो जाए तो वो भी बन जाएगा यहाँ पर। सभी एक एक तरह के कारीगर, सभी कारीगर यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे गांव में। मतलब कहीं बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खाली मॉल नहीं आया, मतलब मॉल भी आ जाता ना, पूरा शहर की तरह लगता है ये गाँव। ओ बस इतना ही है मेरे गांव में। और मतलब आप लोगों को, आप लोग भी गांव के होंगे तो गांव में रहने के लिए रहने का मज़ा भी बहुत अलग है क्योंकि सुबह उठ के यार मैं तो वैसे भी 11-12 बजे उठता हूँ। मुझे तो कुछ इतना सुबह का सूरज देखने का मिलता नहीं है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी देखो ठंडी लग रही है और मैंने भी जैकेट पहन के मैं भी वीडियो बना रहा हूँ अभी। मतलब यार क्या करूँ मैं अभी। मतलब घर कितनी अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं हमारे यहाँ। अभी भी काफ़ी लोगों का घर बनना मतलब चालू है। तो यार इस तरीके से है मेरा गांव। बस यार तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्योंकि यार मैं इतना ही दिखाने वाला था। मेरी आईडी माइनस में है तो मतलब वो मुझे बाहर निकालनी है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं 3-4 दिन के बाद जाने वाला हूँ कहीं पे घूमने के लिए अच्छे से। मतलब मैंने प्लान बनाया गोमुख का, हम लोग 3-4 दोस्त जाने वाले हैं वहाँ पर और कैमरा लेके साथ में फ़ोटो शूटिंग के लिए। तो वो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तो आप लोग वो वीडियो देखना भी मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यार सब लोग मेरा वीडियोस देखें। और मैं यार इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को भी पसंद आते होंगे। आप लोग देखो मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, नहीं पसंद है तो मुझे बोलो। और आप लोगों को अगर मतलब
कोई जगह देखनी है तो वो यार मुझे बताओ, मतलब मैं वो जगह वहाँ पर जाके मैं वीडियोस बनाऊँ। अगर आप लोगों को साथ में आना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, तो मैं जाऊँगा तो आप लोगों को बोल दूँगा कि यार मैं जाने वाला हूँ तो आप लोग मेरे साथ आओ। तो यार आओ, मज़ा आएगा आप लोगों के साथ वीडियो बनाने में, मुझे बहुत मज़ा आएगा। मतलब लोग होंगे तो यार वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हम लोग तो वैसे भी क्या 3-4 लोग जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मैं, बस इतना ही है। तो चलो यार, आप लोगों को मेरे साथ आना है व्लॉग्स बनाने के लिए तो यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए कि भाई मैं आने वाला हूँ, और अपना नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, वरना मैं कर दूँगा आपको नंबर सेंड, तो आप मुझे कॉल कर लेना। क्योंकि मेरा यार जाने का प्लान एकदम एग्जिट रहता नहीं है, और मैं क्या करता हूँ, अचानक प्लान बना देता हूँ और सबको लेके निकल जाता हूँ। मतलब अभी कल हमारे जाने का प्लान था लेकिन हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि सबका काम आ गया था, तो वो भी निकल गए और मैं कल नहीं गया। और आज यार मैं 11 बजे उठा और 12 बजे गया, मतलब काम मेरा ही है, मतलब मेरे पापा ही मालिक है, तो यार मैं कभी भी जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम करने के लिए। तो बहुत देर से गया, और कल जाना है, मतलब 2-3 दिन बाद काम ख़त्म करने के बाद वापस जाने वाला हूँ। तो यार वो वीडियो आप लोग देखना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा। तो यार थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट देते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो चलो मिलते हैं नए अगले ब्लॉग पे।